आप मेरी इस आवाज को कुछ इस तरीके से सुन सकते हैं। आप मेरी इस आवाज को कुछ इस तरीके से सुन सकते हैं। आप मेरी इस आवाज को कुछ इस तरीके से सुन सकते हैं। अभी जो आवाज सुन रहे हैं कुछ इस तरीके से भी इसी आवाज को सुन सकते हैं। अभी जो आवाज सुन रहे हैं कुछ इस तरीके से भी इसी आवाज को सुन सकते हैं। और ये आवाज मेरी ऐसे भी हो सकती है। और यही आवाज अगर मैं नॉर्मल बोलूं तो ऐसे होगी जैसे आप सुन रहे हैं। इस आवाज को चेंज कैसे कर सकते हैं? आप अपनी आवाज को एडिट करके आप अपने वीडियो में 4 चांद लगा सकते हैं, अपनी वीडियो पर सुरीलापन दे सकते हैं और आपकी वीडियो लोग दूर तक देखेंगे, देर तक देखेंगे और ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे और ज्यादा वॉच टाइम होगा। आप अपनी आवाज को एडिट करने के लिए क्या करना होगा आपको, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ 2 मिनट के अंदर बता दूंगा आप अपनी आवाज एडिट कैसे करेंगे। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एक चीजें बताऊं। उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नई नई वीडियो लेकर आऊंगा यूट्यूब पर और जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा यूट्यूब के बारे में जानने और समझने के लिए, आप यूट्यूब पर काम कर पाएंगे। तो लेट्स सी, मैं आपको यहां पर कुछ दिखाना चाहूंगा, वीडियो एडिट कैसे करते हैं मैं आपको सुनाना भी चाहूंगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले अब मैं आपको यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूं। यह मेरा जो यहां पर आप देख सकते हैं, यह एक है जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी आवाज, ये आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर जब भी आप अपनी वीडियो कोई भी शूट करें तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर में जिसका नाम है ऑडासिटी, और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद स्टार्टिंग में कम से कम 10 सेकंड 5 सेकंड कुछ ना बोलें, जिससे कि बाहर की जो आवाज है, नॉइज है, वो यहां पर ऑब्जर्व हो जाती है आपके कंप्यूटर में, राइट। तो आपने कुछ नहीं बोलना है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कुछ नहीं बोला। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना, ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना, इफेक्ट में जाना है आपको। इफेक्ट में जाने के बाद यहां पर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर पर क्लिक करना है और यहां पर नॉइज रिडक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नॉइज रिडक्शन पर क्लिक करेंगे, गेट नॉइज प्रोफाइल पर क्लिक कर देना, उसके बाद कंट्रोल ए कर लेना है। कंट्रोल ए करते ही आपके सामने सारा सिलेक्ट हो जाएगा, जितनी भी आपकी फाइलें दिख रही हैं पूरी पूरी सिलेक्ट हो जाएंगी लेयर। अब उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस कर देना है। कंट्रोल आर प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर ऑप्शन आएगा जो कि आपको यहां पर अभी दिख रहा है। ये हमारा नॉइज जितने भी हैं उसे हटा रहा है, एक एक नॉइज को हटा देगा, अभी आपके सामने दिख जाएगा। ये नॉइज इसलिए हटा रहा है क्योंकि बाहर की आवाजें, अनवांटेड आवाजें एकदम हटा देगा। ये हटने के बाद मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूं जिससे कि आपकी आवाज एकदम परफेक्ट हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी, वो आवाज आपको सुननी ही चाहिए। आप देखिए यहां पर अभी एक बार में नहीं हटी है बाहर की आवाजें, तो दोबारा हम कंट्रोल आर फिर से प्रेस कर देंगे और यहां पर यह है, और अब देखते हैं क्या होता है आपके सामने। यहां पर आप देख सकते हैं अब हमारा नॉइज एकदम रिडक्शन हो चुका है। अब हम एक काम करेंगे, इतने पार्ट को हम कर देंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद अब हम करेंगे कंट्रोल ए। पहले मैं सुना देता हूं थोड़ा सा आपको, ये प्रेस इसलिए नहीं होगा, उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर ये अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस आवाज को थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर रोकूंगा और उस आवाज को मैं सुनाऊंगा क्योंकि वो वीडियो बना रहा हूं, जरूरी है। तो यहां पर मैं इस आवाज को रोक चुका हूं और अब मेरे मोबाइल से मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही होगी। आवाज अपनी प्ले करके सुनाता हूं आपको। आपका जो डाटा, हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल पर आपको ये नहीं पता चल पाता है, कभी कभी माइंड में आता होगा कि मैं अपने चैनल पर किस कैटेगरी में वीडियो डालूं। बोले आपने ना, अब यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आप अपनी आवाज में ट्विस्ट ला सकते हैं। देखो, पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ले करके इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद यहां पर आना है और यहां पर आने के बाद ग्राफिक आईक्यू पर क्लिक करना है, ईक्यू पर। उसके बाद यहां पर प्रीसेट एंड सेटिंग पर आना है, फैक्ट्री रीसेट पे आना है, प्रीसेट पे आना है, बेस्ट बूस्ट पर क्लिक करना है। ऐसे ही पैटर्न कुछ बन जाएगा, फिर प्रीव्यू करके आप चला सकते हैं और देख सकते हैं आपका जो डाटा। हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल पर आपको ये नहीं पता चल पाता है, कभी आपको पता चल रहा होगा ना। मैं आपको एक बार दोबारा से अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये अप्लाई कर दिया है, ये अप्लाई किया, यहाँ पर लेयर हमारी थोड़ी सी मतलब ऐसे हो गया, ज्यादा भर गई है, तो अभी आवाज आपको पता चल रहा है। सुनो, हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब अब इसी आवाज को और थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। तो इस आवाज को अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर फिर से कंट्रोल ए करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे ग्राफिक पर, और उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे फिल्टर कर्व ईक्यू पर जाएंगे। फिल्टर कर्व ईक्यू पर जाने के बाद प्रीसेट एंड सेटिंग पर जाने के बाद फैक्ट्री प्रीसेट पर जाने के बाद डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा से आएंगे और यहां पर हम बेस बूस्ट पर क्लिक कर देंगे। बेस बूस्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से प्रीव्यू करेंगे और आपके सामने अब सुनिए आपका जो डाटा। हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल पर आपको ये नहीं बेस भी मिल रहा है हमें, यानी कि अब बेस भी हमारे चैनल पर हो जाएगा। अभी ये हो गया, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रबल डालेंगे, मतलब तीखापन होना चाहिए आवाज के अंदर थोड़ी सी। तो यहाँ पर हम फिर से जाएंगे और यहाँ पर जाकर ईक्यू पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक आईक्यू पर जाने के बाद अब हम यहाँ पर प्रीसेट एंड सेटिंग पर फिर से जाएंगे और यहाँ पर ट्रबल बूस्ट पर क्लिक कर देंगे। ट्रबल बूस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे
अप्लाई करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से हो चुका है। अब हमारी आवाज ऊपर नीचे वाली थोड़ी सी कट रही होगी क्योंकि ज्यादा बड़ा ये लेयर दिख रहा है, ये और ये दोनों पार्ट ज्यादा हो गए, तो इसको हमें कम करना है। इसको कम करने के लिए हम यहाँ पर फिर से इफेक्ट में जाएंगे, लिमिटर, हम जाएंगे वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पर, उसके बाद जाएंगे लिमिटर पर, लिमिटर पर जाने के बाद प्रीसेट पर जाएंगे और यहाँ पर डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू कर देंगे आपका जो डाटा। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर छोटी हो गई हमारी लेयर। अब ये देखिए, हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल पर आपको ये नहीं पता चल पाता है, कभी कभी माइंड में आता होगा कि आपने अब इसी आवाज को, आप पहले वाली आवाज सुनिए जो अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला होगा, वो सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, आपके मतलब गजब ही है, अलग ही चीज है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा होगा, ये बात तो पक्की बात है कि मजा तो आ ही रहा होगा। अब आपको मैं यहाँ पर आवाज अपनी चेंज भी करके सुना सकता हूँ, इतने पार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर पिच एंड टेम्पो पर क्लिक कर दे, चेंज पिच पर क्लिक करो और यहाँ पर सुन लिया ना अपनी आवाज को किस तरीके से आप एडिट कर सकते, किस तरीके से चेंज कर सकते, कितना आसान है ना, बहुत आसान है, बस आपको सिर्फ सीखने की बात थी। और अब मुझे पूरी उम्मीद है आप सीख गए होंगे अपनी आवाज को चेंज करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि अब आप आगे अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से आगे वीडियो बनाकर ग्रो भी करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है जो कि यूट्यूब से रिलेटेड, हर एक एंगल से मैं आपको वीडियो बनाकर बताता रहता हूं, सारी चीजें एक एक करके समझाता रहता हूं, जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।